अपने YouTube चैनल Easy Education and Jobs Detail में। आज का हमने चैप्टर शुरू किया हुआ है 9th क्लास की मैथ का, चैप्टर नंबर 1 मैट्रिक्स। उसमें लास्ट टाइम हमने कुछ स्टेप्स सीखे थे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि हम मैट्रिक्स अगर हमें दिए हों उनको हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए मैं आपको विद एग्जांपल इसको क्लियर करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट फॉर एग्जांपल इसके लिए जो स्टेप्स होने चाहिए, सबसे पहले मैं स्टेप्स लिखता हूँ। और ऑब्वियसली हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो रोज और कॉलम में मैंशन होता है, ठीक है। अगर फर्स्ट करें आप पहली रो, इसमें पहला रूल है आप फर्स्ट रो मल्टीप्लाई, इसको थोड़ा क्लियर करके लिख देते हैं, मल्टीप्लाई फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स टू फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। सिमिलरली अगेन मल्टीप्लाई फर्स्ट रो ही लेनी है आपने ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स टू सेकेंड कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स सेकेंड मैट्रिक्स। सिमिलरली आपने जो सेकेंड रो है उसको आपने पहले मैट्रिक्स की जो सेकंड रो है दूसरे स्टेप में उसको आपने फर्स्ट कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है। इससे नेक्स्ट स्टेप्स हैं नंबर 3 एंड 4 आएंगे। मैं लिख देता हूं इसको, नाउ मल्टीप्लाई सेकंड रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स टू फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकंड ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। सिमिलरली फोर्थ स्टेप है मल्टीप्लाई सेम रो मल्टीप्लाई सेकेंड रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स टू सेकेंड कॉलम जिसको हम C2 बोलते हैं ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। ये चार रूल्स हैं। उम्मीद है कि अभी हम इसको जब एक्सपेरिमेंटली या मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे जब इसको तो आपको ये क्लियर हो जाएंगे। ये रूल्स आप वीडियो को स्टॉप करके आप ये रूल्स नोट कर सकते हैं जो कि आपको मल्टीप्लिकेशन करने में बहुत आसानी पैदा करेंगे। मैं एक एग्जांपल लेने लगा हूँ जिसको मैं मल्टीप्लिकेशन जिससे आपको क्लियर करूँगा। तो आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना और उसको करने लाइक हमारे पास ए है मैट्रिक्स 1, 2, 3 एंड -3। मैंने एक माइनस वाला नंबर लिया ताकि अगर कोई माइनस में आ जाए तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, -1, 3, 0, 2। अगर ये आप देखें कि मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं जिनकी दो रोज हैं दो ही कॉलम है, दो रोज दो कॉलम है, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको रूल प्रीवियस याद है तो मैंने बोला था फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम करते हैं जरा 1 × -1 दरमियान में प्लस का साइन 3 × 3। फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स थे उनको मैंने फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह नेक्स्ट है इसी जो हमारे पास फर्स्ट रो है इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है 1 × 0 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ प्लस सेकंड एलिमेंट है फर्स्ट रो का उसको आपने सेकंड कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है 3 × 2। अगर आप यहाँ से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, इसी तरह मैंने अगेन फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया और मैंने इसको बंद कर देता हूँ। इसी तरह सेकंड रो की बारी है, सेकंड रो भी सिमिलरली फर्स्ट कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई होगी, करते हैं जरा 2 × 3 दरमियान में प्लस का साइन और -3 मल्टीप्लाई होगा इसको ब्रैकेट में लिखते हैं 3 के साथ। इसी तरह जो सेकंड रो है ये सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, करते हैं जरा इसको 2 × सेकंड कॉलम क्या है 0 + -3 होगा × 4।
अगर आप यहाँ पे देखें, मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, इसी तरह अगेन फर्स्ट रो को मैंने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया और दोनों को ऐड कर दिया, इस तरह फिर सेकंड रो उसको मैंने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके ये लिखा है। सिमिलरली सेकंड रो इनटू सेकंड कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। अब इनको सॉल्व करना आसान है, इनको आप प्लस माइनस ले लें, 1 मल्टीप्लाई बाय प्लस 1 है माइनस 1, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 1 इनटू 1 1। सिमिलरली प्लस का साइन है 3 इनटू 3 9, 2 3 इज 6 प्लस माइनस माइनस 3 3 इज 9, इसका 1 इनटू 0 ये 0 आ जाता है, प्लस 3 2 इज 6। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस माइनस माइनस 3 2 इज 6। अब इसको अगले स्टेप में और सॉल्व करते हैं। अब जब दो आपके पास डिफरेंट नंबर्स आ रहे हो और उनके साइन डिफरेंट हो तो आपने और वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन लगता है और बड़े में से छोटा नंबर माइनस हो जाता है। जिसमें बड़ा नंबर 9 है उसके साथ साइन है प्लस का, प्लस आप नाम लगाएं तो कॉमन अंडरस्टूड है, 9 में से 1 जाएंगे तो 8। यहाँ देखें ये प्लस का 6 है लिखा हुआ नहीं है साइन, और 9 जो है वो माइनस का है, तो आप बड़े का साइन लगाएंगे बड़े में से छोटा नंबर माइनस कर देंगे, 9 में से 6 क्या है 3। ये आपको समझना होगा, अगर दो नंबर सब्ट्रैक्ट या ऐड हो रहे हैं उनमें जो बड़ा नंबर होगा उसका आप साइन लगाएंगे और उनको माइनस कर देंगे। यहाँ देखते हैं 0 प्लस 6 ऑब्वियसली 6, 0 माइनस 6 वो भी माइनस 6। तो ये आंसर है, ये मैंने प्लस का लगा बैठा था साइन, ये मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे, तो अपने भी इसको कॉल करना। तो यहाँ से आप मल्टीप्लीकेशन हमने सीखी आज, एक छोटी सी एग्जाम्पल लेकर अभी मैं बेसिक्स करवा रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इससे कम्प्लेक्स एग्जाम्पल्स लेके आपको सॉल्व करवाने की समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। उम्मीद है आपको ये वीडियोस मेरी समझ आई होंगी, अच्छी लगें तो सब्सक्राइब मेरा चैनल करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ और लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।